हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। अभी बहुत लेट हो जा रहा है आजकल ब्लॉग डालने में, क्योंकि मैं बिज़ी हूँ थोड़ा सा पैकिंग करने में, क्योंकि जाने में ज़्यादा टाइम है नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा। और यहाँ पे ना हमारे यहाँ पूजा एक हो रही है, तो इसलिए और भी नहीं ब्लॉग बन पा रहा है। ये रात दिन दोपहर हमेशा वो माइक चलते रह रही है, तो इसलिए और भी नहीं बन पा रही है। इसके आगे की वीडियो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी मुझे लगता है 10 बज रहे होंगे, क्योंकि आज एग्ज़ाम नहीं है ना, शिवी का छुट्टी है आज, तो थोड़ा सा लेट हो गया उठने में भी। प्रिपरेशन के लिए आज छुट्टी मिली है, तो एनीवेज चलते ब्रेकफास्ट बनाने। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा। ये सुबह का टाइम है और देखो कितना पसीना हो रहा है। और वीडियो बनाने के लिए तो और भी मुझे फ़ैन बंद करना पड़ता है, इसलिए और ज़्यादा पसीना होने लगता है, तो शक्ल और गंदी लगने लगती है। मुझे तो ऐसे शक्ल वाले वीडियो भी बनाने का होता नहीं है, लेकिन मैं सोचती हूँ चलो यार कैसे भी हो, चलो बना ही लेते हैं, क्योंकि नेचुरल जितना रहेगा उतना अच्छा रहेगा ना। तो चलो 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 जल्दी चलते हैं ब्रेकफास्ट बनाने, उसके बाद आज बहुत सारे काम करने हैं, बहुत काम है मुझे। तो ब्रेकफास्ट में ना मैंने नूडल्स बना लिए, क्योंकि बचे हुए थे तो अब जाना है तो ये ख़राब ही हो जाएंगे, तो मैंने सोचा कि चलो बना ही लेते हैं, क्योंकि अब जितने भी बची हुई चीज़ें उन सबको मुझे ख़त्म करना होगा। और एक साइड में चाय बन रही है, छुट्टी है तो थोड़ा सा लेट में उठना हो रहा है, तो मुझे लगता है कि 10 बज रहे होंगे तभी ये बन रहा है। और एक साइड में नूडल्स, एक साइड में चाय बन रही है। मैंने इसमें प्याज, शिमला मिर्च जितने भी होते हैं वो सब डाल दिए, और कुछ इसके मसाले जितने होते हैं वो डाल दिए। नूडल्स उबाल के इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया, नमक, काली मिर्च का पाउडर डाल के थोड़ा सा जल्दी बना लेते हैं। और उसके बाद ना चाय भी हमारी बन गई, नूडल्स बन गए हैं, तो चलो नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद से कुछ काम करेंगे। तो अभी हम लोग बैठे ही थे ना, थोड़ा सोच रहे थे कि कुछ काम करेंगे, तब तो बहुत सारे पार्सल आ गए, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें मंगवाई हुई थी, तो इसमें क्या क्या है वो तो खोलने के बाद ही दिखेगा। एक दो में मेरे एक दो सूट्स थे और कुछ थे, और शिवी के शूज़ भी मंगवाए हुए थे मैंने, तो मुझे लगता है कि वही है, क्योंकि एक ही बार कितने सारे ऑर्डर होते हैं ना, तो पता नहीं चलता है कि कौन सा आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो पैकिंग करते हैं अपने, क्योंकि ये सब चीज़ें करने में मुझे बहुत टाइम लगने वाला है, क्योंकि समझ में नहीं आता है ना कि क्या ले जाएँ क्या नहीं ले जाएँ, क्या ले जाएँ क्या नहीं ले जाएँ। अभी तो इतनी सारी चीज़ें सिर्फ मैंने अपनी मेकअप के निकाल के रखे हुए हैं, जो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ले जाना क्या नहीं ले जाना। और ये उस टाइम के मेरे शादी के टाइम के ये वैनिटी बॉक्सेस होते थे, मतलब मेकअप बॉक्स कह लीजिए, तो ससुराल के साइड से ऐसा ही आया हुआ था, तो वही है। और ये सारी चीज़ें हैं जो हम लेडीज़ के पास अक्सर ही रहती हैं, और ये मेरा बहुत ही ज़्यादा बहुत ही फेवरेट क्लच है, तो इसके बीच में का वो जो होल रहता है ना, स्टोन लगा हुआ था, वो निकल गया है, लेकिन मुझे बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है ये। तो अब वो कर लेते हैं, पैकिंग करते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि यहाँ से जाने के लिए ऐसी चीज़ों में रखना कि टूटे ना, क्योंकि हर चीज़ भाई मेकअप वाले जितने भी चीज़ें हैं वो सब टूटने लगती हैं, कुछ टूट जाता है कुछ बचता है। चूड़ी वगैरह है वो तो मैं ले ही नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि वहाँ जाके हम ले लेंगे। और जब मैं ये सब चीज़ें निकाल रही थी, तो मुझे अपने कॉलेज के दिनों की कुछ चीज़ें मिली, तो वो और सब तो बस ऐसे ही रैंडम दिखा देते हैं, क्योंकि वो पूरा कैसे दिखाऊं मैं। और ये मेरी डायरी, मुझे डायरी लिखने का शुरू से ही बहुत शौक़ था, लिखने का मतलब जैसे शुरू शुरू में वो शायरी वगैरह आती थी ना, और गाना लिखने का भी मुझे बहुत शौक़ था, तो मैं गाने भी लिखती थी। और ये बड़ी अच्छी लगती है डायरी, और अभी तक इतने 10-12 साल हो गए होंगे इस डायरी को, ये फुल तो हुआ नहीं है, थोड़ा ही मैंने लिखा हुआ था, उसके बाद से तो सब बंद हो गया। उसके बाद से शादी वादी होने के बाद कहाँ किसको टाइम मिलता है ये सब करने का। और ये सारी चिट्ठियाँ हैं जो कि हम फ्रेंड्स एक दूसरे को दिया करते थे, हैप्पी न्यू ईयर और ऐसा सब कर करके, तो फोटोज़ भी थे सबके, तो सबके फ़ोटोज़ तो मैं नहीं दिखा सकती हूँ, पापा के फ़ोटोज़ भी थे उसमें, तो पापा की तो मैं दिखा सकती हूँ, पापा को सब लोग देखे हैं, तो ये है हमारे पापा, कितने अच्छे लग रहे हैं ना, सुंदर सुंदर से। पापा को भी नहीं मालूम होगा ये फ़ोटो मेरे पास थी, मुझे खुद ही नहीं मालूम था कि ये फ़ोटो मेरे पास है। और ये फ़ोटोज़ हैं मेरे बाबा जी की, जो कि अभी इस दुनिया में है नहीं, जब मैं बहुत छोटी थी तभी ये गुजर गए थे, मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बहुत ही ज़्यादा। और अभी भी मैं याद करती हूँ तो मेरी आँखें भर आती हैं, शायद आवाज़ से भी लग रहा होगा, तो क्या कर सकते हैं, ये तो रीत है, आना जाना लगा रहता है। और ये है बाबा और पापा, लोग बोलते हैं कि दोनों लोग की शक्ल थोड़ी बहुत मैच करती है,
तो ये हैं कुछ हमारी पुरानी यादें जो कि हमेशा याद रहेंगी। मेरी जो फ्रेंड्स देखेंगी तो याद आएगा उन लोगों को। और ये मैंने एक कप बनवाया हुआ था जिसकी फ़ोटोज़ प्रिंट होती है ना कप में, वही थी शिवी की और मेरी, जब शिवी मेरी छोटी थी तब की, तो वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा, ये सब देख के ना मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब पूरा ऐसे लगता है कि फिल्म चल रही है वैसे होने लगा था। तो ये सब करने के बाद जो बहुत रात हो गई थी, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, और मेरा बाल का स्टाइल ऐसे ही रहता है हमेशा से, वो गर्मी हो या ठंडी हो या कैसे कुछ भी हो, मेरे बाल का स्टाइल ऐसे ही रहता है। तो मैं यहाँ ना बहुत सा बड़ा सा अचार की बरनी थी जो कि हैदराबाद का अचार है, तो उसको मैं छोटे वाल में फिल कर रही हूँ क्योंकि घर ले जाना है। मैंने सोचा था कि लेके जाएंगे, लेकिन इतना ज़्यादा सामान हो गया है तो वो तो रखा हुआ है कि अगर हो जाएगा तो लेके जाएंगे, अगर नहीं हो पाएगा तो उसको नहीं लेके जाएंगे। क्योंकि दीदी लोग बोली थी कि मुझे अचार चाहिए हैदराबाद का, बहुत अच्छा लगता है उन्हें, स्पेशली पूजा दीदी को जो मेरी इनसे जो छोटी वाली बहन है ना उनको, तो अगर हो पाएगा तो लेते जाएंगे, नहीं होगा तो फिर बाद में आएंगे, तो उसको मैं भर लेती हूँ इसमें। मेरे तो काम होते रहेंगे, ब्लॉगिंग भी होती रहेगी। अगर ब्लॉग अच्छा लगता हो तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा। और मैं बच्चों के साथ बात भी कर रही हूँ क्योंकि शिवी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो बड़ी खुश हैं कि जल्दी से एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा और मुझे घर जाने को टाइम मिलेगा। क्योंकि पहले था कि वो एग्ज़ाम उसका छूट रहा था, तीन एग्ज़ाम उसके छूट रहे थे, तो शायद वो अपने डैडी के साथ आती, लेकिन अब तो साथ में ही जाना है, तो बड़ी खुश हो गई हैं। तो चलो इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ। उम्मीद करूँगी कि वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।